राजस्थान में आज 16 जिलों में बारिश और 10 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। वहीं 11 मई को झालावाड़ और जैसलमेर को छोड़कर 31 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। हनुमानगढ़ में आज सुबह भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर बाद गर्मी से राहत मिलने की भी संभावना है। दरअसल राजस्थान में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद राजस्थान में तेज आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम के असर से हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बता दें कि राजस्थान के 16 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 10 जिलों में हीटवेव की भी संभावना जताई गई है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है और साथ ही कुछ दिन बाद जो है एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जैसे देखा जा रहा है कि जो गर्मी का प्रकोप है धीरे धीरे ज्यादा होता जा रहा है, तो कहीं राजस्थान में कहीं कहीं जो है बारिश की संभावना भी जताई गई है, तो क्या कुछ जो है मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कैसा जो है मौसम अभी राजस्थान में गर्मी देखने को मिल रही है? देखिए ऋतु, बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है गर्मी का असर बहुत तेज है और टॉपसन अभी करीब 2 बजे का समय हो गया है, 2:10 के आसपास का समय है। हम जयपुर के सबसे बिजी जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है उस पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी आवाजाही कम है। ये कारण गर्मी है, गर्मी की वजह से तेज धूप जो है वो खिली हुई है और उसी कारण से जो है तापमान में बढ़ोतरी है। और राजधानी जयपुर के तापमान की बात करें तो करीब 40 डिग्री के आसपास का भी तापमान है और इसी वजह से जो है लोग बाग जो है दोपहर में बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और यही कारण है कि गर्मी का जो असर है उसकी वजह से जनजीवन पर असर जो है वो देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आज सक्रिय होने वाला है। ये पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान का जो एरिया है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है वहां पर ये सक्रिय हो रहा है और माना ही जा रहा है कि दोपहर बाद मतलब अब से कुछ घंटों बाद जो है इसकी वजह से धूल भरी आंधी और तेज हवाएं जो है वो पश्चिमी राजस्थान के संभाग में और जिलों में चलने की स्थिति जो है वो बनने वाली है। उसके बाद जो है धूल भरी आंधी चलेगी और जो हवाएं चलेंगी उससे जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का जो है वो गिरावट होने की संभावना है और कुछ एरिया जो पश्चिमी राजस्थान का जो कुछ एरिया है वहां पर कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। उसके बाद मौसम विभाग यही कह रहा है कि इसके बाद जो है 2 से 3 डिग्री का जो है वो गिरावट दर्ज होगी। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के पूर्वी एरिया जो है और जो दक्षिणी एरिया है वहां पर जो है तापमान जो है वैसा ही बना रहेगा और अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें वहां पर क्योंकि 45 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है वो लगातार देखने को मिल रहा है, तो इस परिसंचरण तंत्र के बनने के कारण जो तापमान में गिरावट होगी, तो करीब करीब ये तापमान जो पश्चिमी राजस्थान में 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ था ऋतु, वो जो है 2 से 3 डिग्री गिरने के बाद करीब 40-42 के आसपास रहने की संभावना है, तो थोड़ी फौरी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि 40 डिग्री के आसपास का तापमान है तो अभी ये जो तापमान में कमी नहीं होने की संभावना है, तो इसी कारण से जो है वो स्थिति तो यही बनने वाली है। जी ऋतु, कल तक जो है मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया था कि आगे और जो है गर्मी पड़ सकती है, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा भी हो सकता है, तो और आज जो है दो थोड़ी सी जगहों पर जो है 16 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं अभी जयपुर की क्या कुछ स्थिति चल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी जानना चाहूंगी। लोगों की स्थिति यह है कि मौसम में गर्मी और तापमान की बढ़ोतरी की वजह से राहत नहीं है, लोग जो है परेशान हैं, ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, अगर किसी को अगर किसी काम जो के वजह से अगर निकलना भी पड़ रहा है अपने घरों से तो वो ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं।
एडवाइजरी भी जो है सरकार की तरफ से जारी की गई है। ठंडे पेय पदार्थ, लस्सी है, जैसे नींबू पानी है, और पानी का जो सेवन है वो लगातार करने के लिए जो एडवाइजरी जारी करी है प्रशासन ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप बाहर निकले तो पूरे जो है वो कपड़े पहन के निकले, सर को ढक के रखें, इस तरीके की एडवाइजरी जारी। अगर कहीं चक्कर आता है या कुछ आता है तो तुरंत जो है छाया में जाकर पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी पिए, और अगर उसके अलावा भी कुछ होता है तो डॉक्टर की एडवाइस लें। इस तरीके की एडवाइजरी जो है लगातार प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। रही बात राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के ऊपर जो है वो जो परिसंचरण तंत्र बन रहा है उसका इंपैक्ट उतना नहीं आने वाला है जितना कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आने वाला है। तो ऋतु, ऐसे में अभी जो है, क्योंकि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो जाएगा, 25 से 2 तारीख तक का जो है वो नौतपा है, तो उस दौरान जो है तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि गर्मी में दोपहर के समय में कम से कम घर से बाहर निकलें, जरूरत हो तो उसके साथ साथ अपने पेय पदार्थ अपने साथ लेके चलें, उसके साथ साथ ओढ़ने के लिए जो है, सिर को ढकने के लिए जो है वो जरूर कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें, और ढीले और जो सूत। जी दुर्गेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं देखा जाए कि राजधानी जयपुर और पूरे राजस्थान में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, और इसी बीच मौसम विभाग ने जो है 16 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं 10 जिलों में जो है हीटवेव की भी संभावना जताई है, और कुछ ही समय में जो है कुछ दिन में नया पश्चिमी विक्षोभ भी जो है आने की संभावना जताई गई है, और जो है अब बता दें राजस्थान में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, और इस बीच मौसम विभाग की ओर से भी कुछ राहत जो है लोगों को दी गई है। मौसम विभाग ने जो है 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं 10 जिलों में जो है हीट वेव की भी संभावना है, और ऐसे में जो है नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है। अब ऐसे में जो है गर्मी से लोगों को राहत भी मिल सकती है, कहीं कहीं जो है जिलों में बारिश होगी तो ऐसे में जो है लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी, लोग अपने घरों से जो है थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। भीषण गर्मी के कारण लोग जो है अपने घरों से भी निकलने से कतरा रहे थे, तो ऐसे में जो है बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, तो ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी, और इस बीच जो है लोग अपने जरूरी काम से जो है घर से भी बाहर निकल पाएंगे। बता दें राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बड़ी राहत देते हुए लोगों को जो है 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं 10 जिलों में हीट वेव की भी है, तो कुछ समय में जो है नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भी सक्रिय हो सकता है, तो ऐसे में बारिश होने से जो है लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लोग अपने जरूरी कामकाज से जो है अपने घरों से बाहर भी निकल पाएंगे, और ऐसे में भीषण गर्मी से जो लोग हैं उन्हें तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दयाल सिंह साकला हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। दयाल सिंह, क्या कुछ अपडेट है जोधपुर की भीषण गर्मी को लेकर, क्या कुछ मौसम विभाग ने वहां के जो है तापमान को लेकर क्या कुछ अपडेट दिया है? जोधपुर में लगातार 4 दिन से जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, हालांकि 1-2 दिन में जो अभी कल और परसों में टेम्परेचर अधिक था, आज थोड़ा सा कम, यानी 44 डिग्री के लगभग का टेम्परेचर आज जोधपुर का है। जोधपुर के आसपास फ्लोटिंग जो है वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री के लगभग पहुंच गया था, और अब आज जो है थोड़ी सी हवा के चलते थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, साथ ही आसमान में बादल देखने को मिल रहे जिसके चलते भी थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक जहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर जहाँ
टाइमर लगे हुए हैं, वहाँ टाइमर को बंद कर दिया है, जिसके चलते आम जनता आराम से वहाँ रुकना नहीं पड़े और दूसरे लोगों को खड़ा नहीं रहना पड़े, ऐसी व्यवस्था इस बार आज प्रशासन ने शुरू की है। और साथ ही गर्मी की बात करें तो लगातार तीन चार दिनों से जो हीट वेव चल रहा है उसकी गर्मी जयपुर में जी। दयाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोटा से अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, कोटा के जो है टेम्परेचर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ गर्मी, किस तरीके का गर्मी से जो है भीषण गर्मी वहां पर पड़ रही है, क्या कुछ माहौल वहां पर है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट जो है मौसम को लेकर दिया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और आज भी टेम्परेचर जो कोटा का था 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। इसके अलावा गर्मी का प्रकोप इतना है कि कोटा के जो व्यस्ततम इलाके हैं वहां पर भी कई लोग जो देखे जा सकते हैं व्यवस्था से निकल रहे हैं, सब अपने अपने ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर रोड जो है सुनसान देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइडलाइन भी जारी करी गई कि जिसमें बताया गया था कि स्कूल का टाइम में चेंज किया गया है क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसी गर्मी में, तो उनके लिए भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी। कोटा में जैसा देखा जाता है कि बाहरी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं एलएम के अंदर, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं उन बच्चों के लिए की गई है? कई सारे देश विदेश से बच्चे जो है अपने पूरे भारत देश से ही अलग अलग कोने से बच्चे यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो है उनका टाइमिंग, कोचिंग का टाइमिंग अलग सेट है। इसके अलावा जो स्कूल का टाइमिंग है वो 11 बजे तक का करा है बच्चों का। इसके अलावा जो कोचिंग का टाइमिंग है उनका सुबह 7 से 2 बजे तक रहता है, लेकिन जो है गर्मी का प्रकोप इतना है कि कई सारे बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहे हैं, सभी अपने घर पे रुकते हैं। जी अभिमन्यु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें भीषण गर्मी के बीच जो है राजस्थान में मौसम विभाग ने बड़ी राहत दी है, 16 जिलों में जो है मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है, तो इस बीच जो है भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो वही बीकानेर से हमारे संवाददाता केके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सिंह, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर बीकानेर में, किस तरीके की भीषण गर्मी वहां पर देखी जा रही है? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में भीषण गर्मी चल रही है, लगातार आज दूसरा दिन है, लू का प्रकोप चल रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और वहां जहां तक हम बात करें सड़कें बिल्कुल सूनी हैं। टेम्परेचर कल 45.2 डिग्री था, आज की जा रही है ये पारा है वो उससे भी ज्यादा, यानी 46-47 के आसपास है। और जहां तक हम बात करें इंडो पाक बॉर्डर की बात करें तो वहां पर लू का प्रकोप और ज्यादा है, तेज हवाएं और ज्यादा चल रही है और यहाँ ये माने तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि उस जगह पर 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। इंडो पाक बॉर्डर पे हीट वेव का असर है जो गहराता जा रहा है। और जहां तक हम बात करें बीकानेर की नगर निगम के द्वारा, जो बीकानेर की सुशीला कंवर मेयर हैं, उनके द्वारा एक प्रयास जरूर किया गया है, सड़कों पर दमकल के द्वारा पानी डालने की व्यवस्था की जा रही है, तो वो व्यवस्थाओं के तहत ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है पानी छिड़कने के साथ। तो वहीं दूसरी ओर एक और बात सामने दिखती है कि पहली बात है लोग निकलते नहीं, और यदि लोग जो निकलते हैं उन लोग हैं जो वे लोग गन्ने का जूस और तमाम तरह की झंडी शीतल पेय पदार्थ लेते दिख रहे हैं और मुंह पर डाटा बांधकर घूमते नजर आ रहे हैं। जी जी केके सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।